चलिए अब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अंदर देखिए, प्रोग्राम और ऑनर्स वाले बच्चे पता है क्या, आप सेमेस्टर थ्री में भी यही रट लगा रहे थे, प्रोग्राम है में आएगा पीजीपीपी या नहीं आएगा, ऑनर्स में आएगा या नहीं आएगा, और आ गया। तो आप बेसिकली ना प्रोग्राम ऑनर्स का तो पहले दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि प्रोग्राम वाले बच्चे सोचते हैं क्या हम इतना इतना करके क्या करेंगे, लेकिन आपके सिलेबस में है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का ही ये पार्ट है, तो करना पड़ेगा, बस सीधी सी बात है। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अंदर क्या है हमारा, हमें जब कॉन्ट्रैक्ट करते थे ना तो हमें एक डेटा गिवन होता था, और सर डेटा का मतलब इंफॉर्मेशन गिवन था, और उसी इंफॉर्मेशन के हिसाब से हम बना देते थे, जिसको बोलते थे हम एक्चुअल इंफॉर्मेशन। लेकिन ना एग्जामिनर या कॉन्ट्रैक्टर ये भी जानना चाहता है कि चलो हमारा कॉन्ट्रैक्ट जब फिनिश होगा टोटल, जब 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म करेंगे, तो एक तो यहां का तो चलो हमें एक्चुअल डेटा पता चल गया, लेकिन यहीं पे वो जानना ये भी चाहता है कि लास्ट में जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा तो क्या प्रॉफिट होगा। तो हम एक्चुअल प्रॉफिट नहीं निकाल सकते, उस केस में हम निकालेंगे एस्टीमेटेड प्रॉफिट, जैसे लास्ट क्लास के अंदर निकाला था ना हमने एक एस्टीमेटेड प्रॉफिट, तो कैसे करा था, इतना खर्चा हो सकता है और इतना हमारा कॉन्ट्रैक्ट था तो हमने निकाल लिया, तो इसलिए वो वाला कॉन्सेप्ट हमने लास्ट क्लास में किया था। अब यहां पे हम ये करने वाले हैं, अब इसके अंदर क्या ध्यान रखना है, फर्क क्या है, चेंजेस क्या है, वो देख लीजिए। सबसे पहले मान लेते हैं, समझिएगा, नए पेज पे कर लेते हैं, ठीक है ना, यहां पे आपको बार बार क्वेश्चन दिख रहा होगा तो डिस्ट्रैक्शन होगा आपको। मान लेते हैं हमने एक पूरा टाइम लिया, ठीक है, और ये हमारा 1 साल है, और 1 साल के कुछ महीनों बाद ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है। मान लेते हैं ये हमारा 1/1/2020, और ये आ गया हमारा 31/3/31/12/2020, और ये मान लेते हैं आ गया हमारा 30/9/2021, यानी ये तो पूरे साल हमारा कॉन्ट्रैक्ट चला, लेकिन ठीक कुछ महीने बाद मेरा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, फिनिश्ड हो जाएगा। हमें यहां से यहां तक हमें सारी जानकारी गीवन है। क्या क्या जानकारी गीवन है सर, मटेरियल गीवन है, और क्या गीवन है सर, और हमें लेबर एक्सपेंसेस जो भी वट एवर है, मशीनरी गीवन है, यानी हर एक जितनी भी जानकारी हो सकती है वो सारा का सारा गीवन होगा। नेट इशू, यस सेम, बच्चे क्या कह रहे हैं, नेट इशू में समझा नहीं, किसी को कोई दिक्कत आ रही है क्लियरिटी में तो बता दीजिए, मुझे तो बिल्कुल क्लियर विजुअल है यहां पे। इंटरनेट बफरिंग, एक बार मैं रिफ्रेश मारता हूं, शिट, अब चेक करिए एक बार आप, अब एक बार चेक करिए, ब्लैंक स्क्रीन मेरे पास तो शो हो रहा है, क्लियर क्लियर, ठीक है, चलिए क्लियर है। चलिए तो मैं ये कह रहा था, मैं दोबारा बता देता हूं कि मैंने इस डेट पे ना एक कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट किया, और ये कॉन्ट्रैक्ट इस डेट पे खत्म होगा। हम प्रॉफिट एंड लॉस तो सिर्फ 1 साल का बनाएंगे, जो कि हमारा 1 साल यहां पे कंप्लीट होता है। यहां से यहां तक का ना आपको एक्चुअल सारा डिटेल गिवन है, और इसी आधार पे आप यहां भी मटेरियल बता सकते हो कि कितना लगेगा, इसी बेसिस पे आप लेबर भी बता सकते हो। तो इसका मतलब सर ये एस्टीमेटेड होगा, ये एस्टीमेटेड होगा, यानी कुछ जानकारी आपको एक्चुअल बेसिस पे गिवन है और कुछ इंफॉर्मेशन आपको एस्टीमेटेड भी गिवन है।
यहां से यहां तक आप मुझे प्रॉफिट निकालने बोलेंगे तो मैं एक्चुअल निकाल लूंगा, एक्चुअल मतलब जो हमारा खर्चा प्रॉफिट माइनस करके सेल्स में से आ जाएगा, लेकिन यहां से यहां तक का जब आप मुझे बोलेंगे तो मैं एक्चुअल नहीं निकाल पाऊंगा, कौन से वाला निकालूंगा मैं। और एस्टिमेटेड हम हमेशा होल कॉन्ट्रैक्ट का निकालते हैं, ऐसा नहीं है कि इसके बाद भी कॉन्ट्रैक्ट चलने वाला, एस्टिमेटेड हमेशा किसका होगा, पूरा ही निकालेंगे। मान लेते हैं कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो है वो 50 लाख रुपए का है, मान लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है हमारा 50 लाख का। हेयर यहां से यहां तक हमारा जो खर्चा हो चुका है वो मान लेते हैं एक्चुअल खर्चा हो चुका है, मान लेते हैं 30 लाख का। और जो वर्क WIP है सारा, सर्टिफाइड नॉट सर्टिफाइड वगैरह मिला के मान लेते हैं हमारा वो 40 लाख का है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे 10 लाख रुपए का तो एक्चुअल प्रॉफिट आ जाएगा, लेकिन जब यहाँ पे हमें एस्टिमेटेड निकालना होगा ना, तो खर्चा मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का 5 लाख का है, तो अब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितने का है सर, 50 लाख का। अब आपका एस्टिमेटेड में कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना लेना है आपको, 50 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है। तो अगर आप टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ले रहे हो, सेल टोटल ले रहे हो, तो खर्चा भी कौन कितना लेना पड़ेगा, सिर्फ यहां से लेके यहां तक का खर्चा लेना होगा या टोटल लेना होगा, टोटल। तो खर्चा भी आप टोटल लोगे, दैट इज 5 लाख और 30 लाख, 35 लाख, और यहां से हमारा जो 15 लाख आता है दैट इज एस्टिमेटेड कॉस्टिंग। तो एस्टिमेटेड कॉस्टिंग जब हम निकालेंगे तो हमारा सबसे पहले तो सिंपल जैसे क्वेश्चन करते थे, नॉर्मल एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनेगा ही बनेगा। एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के अंदर जितने भी पुराने खर्चे रहे होंगे वो सब क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, वो आपस में क्या होते जाएंगे, एड ऑन होते जाएंगे, क्योंकि वहां पे आप जो सेल्स लिख रहे हो वो सिर्फ उस 9 महीने का सेल नहीं है, वो पूरे शुरू से लेके एंड तक का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस लिया जाएगा। तो एस्टिमेटेड वाले में कोई फॉर्मूला लगेगा क्या, तो जवाब है सर कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना। आपकी किताब में 2 क्वेश्चन गिवन है तो उसी क्वेश्चन को हम करेंगे अभी, कैसे करना है नहीं करना आप जब प्रैक्टिकल करूंगा ना तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, सिंपली क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। कुछ बच्चे कह रहे थे सर विजुअल नहीं है, कोई बात नहीं अभी दिखा देते हैं, अब आपको विजुअल भी हो जाएगा। यानी सर आपको यहां पे 2 अकाउंट बनाने पड़ेंगे, एक जो पहले बनाते थे वो तो बनेगा ही बनेगा, उसके साथ साथ एक और बनाएंगे हम पिछले पेज पे, नेक्स्ट पेज पे बना लेंगे एक, ठीक है, या फिर जब बनाएंगे तो क्वेश्चन यहां से थोड़ा शिफ्ट कर देंगे इस साइड, क्योंकि ये बन जाएगा तो इसको देखने की ही जरूरत नहीं है। तो चलिए सर ये बन गया हमारा नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, यहां पर्टिकुलर ठीक है। अब देखते हैं क्या कहता है ये क्वेश्चन में, कहता है आपका बिल्ड वेल लिमिटेड है और कॉन्ट्रैक्ट लेता है जैन 2016, यानी जैन 2016 का कॉन्ट्रैक्ट है। द टोटल कॉन्ट्रैक्ट कितने का है, 10 लाख रुपए का, यानी सर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बता दिया इसने 10 लाख रुपए का, ठीक है सर। एस्टिमेटेड बाय कॉन्ट्रैक्टरी, और कॉन्ट्रैक्टरी के थ्रू एस्टिमेटेड लिया गया, सर रिपीट कर दो प्लीज। तनीषा जैन सेम बफरिंग गुलशन +1, सर कुछ समझ नहीं आ रहा, वीडियो बफर हो रही है, एक मिनट। बफर तो नहीं होनी चाहिए। अब किसी भी स्टूडेंट को क्लियर दिख रहा है तो बताइए मुझे, बफर होना नहीं चाहिए, मेरे पास तो क्लियर शो हो रहा है। अभिषेक कह रहा है क्लियर है, 2 बच्चे क्लियर, ऑल राइट, क्लियर क्लियर, नॉट क्लियर विशाल, क्लियर क्लियर क्लियर। एक बार आप WIP वाला, मैं भी दोबारा पूरा क्वेश्चन कर रहा हूं ना। अब देखिए कुछ बफर भी हो रहा था, बच्चे कह रहे हैं, काफी बच्चे कह रहे हैं क्लियर है, काफी बोल रहे हैं बफर है, तो वहां पे ना आपको रेजोल्यूशन सेट करने का ऑप्शन आता है लाइव में, वो कर लीजिए तो हो जाएगा। दूसरी बात, आप कह रहे हैं सर ये हमें अभी क्लियर नहीं हुआ जो इससे पहले समझाया, तो कोई बात नहीं है, अब मेरे साथ साथ बस सवाल पे फोकस करिए, क्वेश्चन पे फोकस करिए,
जब तक आपको समझ में नहीं आएगा ना, मैं अगले सवाल पे बढ़ूंगा ही नहीं, एक एक बच्चे से मैं पूछ लूंगा, तो आप बस थोड़ा सा फोकस करिए, ठीक है? चलिए सर, फिर से ये लो, बच्चे कह रहे हैं क्वेश्चन बुक में नहीं है। भाई ये क्वेश्चन देखो मैं करा रहा हूं अपनी इच्छा से, मेरा मन कर रहा है ये क्वेश्चन कराने का, इसलिए मैं ये क्वेश्चन करवा रहा हूं। किताब में है या नहीं है उस पर फोकस नहीं करते, क्वेश्चन आपके सामने विजुअल है, आप कर लीजिए, आपके एग्जाम में आ जाएगा, तो आप मान के चलिए आप लकी होंगे कि आपको ये सवाल आता होगा। जो बच्चे जिसकी किताब में नहीं करके जाएंगे तो उनको नहीं आता होगा, बाकी इस टाइप का क्वेश्चन आता है। देखिए बीकॉम ऑनर्स में तो आया हुआ है, सीए में तो कई बार आता है इस टाइप का क्वेश्चन, तो उस बात का ध्यान रखिए, बस आप कर लीजिए। और ऐसा भी इतना टफ भी नहीं है, देखो अभी बिल्कुल सिंपल है, बोलोगे कि यही क्वेश्चन आ जाए भगवान करे। तो देखिए क्या कहता है आपको यहां पे डिसाइडेड एस्टिमेटेड कहता है कि एस्टिमेटेड के हिसाब से बनाना है, डिसाइडेड एंड 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 बहुत सारी बातें कह रहा है 2016 में जो था। एक यहां से लाइन में अलग कर रहा हूं, ये एक्चुअल है, तो एक्चुअल वाले को तो पहले हम कर ही लेते हैं सर। एक्चुअल वाले को कैसे करना है, जैसे सीखा है, मटेरियल टू साइड में आ जाएगा सर। कितने रुपए का मटेरियल? 1.5 लाख। मटेरियल के बाद लेबर 1 लाख, है ना? और लेबर के बाद इसमें एक्रूड यानी प्लस आउटस्टैंडिंग 10,000, और ये आ गया 1,10,000। इसके बाद प्लांट भी आपको पता है यहीं आता है सर। प्लांट कितने का है? 80,000। बड़ा सिंपल से करते हैं, एक्सपेंस देख लेते हैं, तो टू साइड में एक्सपेंस आ जाएगा, एक्सपेंस आएगा 40,000। एक्सपेंस के अंदर देखा जाए तो और कुछ नहीं है, प्लांट रिटर्न टू स्टोर 20,000, तो रिटर्न इस साइड में आ जाएगा, बाय रिटर्न कितने 20,000 का रिटर्न किया है, ये कॉस्ट है, इसने बोल दिया है कॉस्ट, लेकिन आपने रिटर्न 31 दिसंबर को किया है, मतलब सर ये जो स्टार्ट हुआ है वो 1 जनवरी को हुआ है और आप रिटर्न कर रहे हो 31 दिसंबर को, मीन सर आपने प्लांट को तो यूज ही कर लिया, तो जो 20,000 वाला प्लांट था वो 20 का रिटर्न थोड़ी ना हुआ, उसके ऊपर 20%। अब देखो यहाँ पे डेप्रिसिएशन क्या कहता है, 20% ऑन कॉस्ट, तो एज पर एसएलएम जो कह रहा है 20% ऑन कॉस्ट, तो कौन सा मेथड लग रहा है? एसएलएम। तो सर यहाँ पे आपने 2,000 रुपये तो यूज ही कर लिया, तो अल्टीमेटली रिटर्न में जो जाएगा वो कितना जाएगा? 18,000। तो रिटर्न में देखो मैं लिखने वाला हूँ 18,000, कैसे? -2,000 रुपये डेप्रिसिएशन, दो नहीं 4,000 होगा, दो नहीं होगा 4,000 होगा डेप्रिसिएशन, तो माइनस में 4,000 रुपये, और ये माइनस करने के बाद हमारा यहाँ आ जाएगा, दैट इज 16,000 रुपये। बताइए कोई समस्या? आगे बढ़ते हैं। मटेरियल एट साइट 10,000 रुपये, तो नॉर्मल बाय मटेरियल कितने रुपए? 10,000 रुपये। आगे वर्क सर्टिफाइड, चलो कोई बात नहीं, WIP यहां से लिख लेते हैं, पहले हम टॉप पे लिखते थे, वर्क सर्टिफाइड कहता है कितने हैं? 4 लाख। वर्क नॉट सर्टिफाइड भी देता है ये 15,000। तो अभी तक हमने कुछ नहीं सीखा, हम सिंपल ही करते जा रहे हैं, जैसे कि पहले हमने कर रखा है, और एक सवाल नहीं कई सवाल किए हैं। कैश रिसीव का हम वहां पे फॉर्मूले में यूज करते हैं, ठीक है ना? कैश रिसीव का हम कहाँ यूज करते हैं? बेसिकली फॉर्मूले के अंदर यूज करते हैं। तो यहां तक इसे मैं मिटा देता हूं, यहां तो यहां तक सारी जानकारी डन। कहता है प्लांट सब्जेक्ट टू एनुअल डेप्रिसिएशन, प्लांट के ऊपर एनुअल डेप्रिसिएशन रहने वाला है, और जो डेप्रिसिएशन रहता है वो रहता है 20% ऑन कॉस्ट, द कॉन्ट्रैक्ट इज लाइकली टू बी कंप्लीटेड बाय 30 सितंबर 17, यानी सर ये जो सितंबर 17 में खत्म होगा। प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है, कोई बात नहीं। अब सर यहाँ प्लांट कितने का था, देखिए ध्यान दीजिएगा, प्लांट कितने का था? 80 में से कितना माइनस हो गया? 20, तो अभी भी स्टिल 60 का बचा है ना, तो प्लांट कितने का बचा है सर? 60 का बचा हुआ है, लेकिन 60 पूरे साल इस्तेमाल कर लिया तो कितना डेप लग जाएगा? 12,000, 20% लगेगा, तो 12,000 तो बचेगा कितने का?
48,000, तो यहाँ पे प्लांट बाय साइड में लिख देंगे, बाय क्लोजिंग प्लांट कितने रुपए, 48,000। किसी को दिक्कत, ये भी मैं मिटा देता हूँ। अब यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, सरप्लस, बताइए सरप्लस क्या आएगा। सबसे पहले टोटल देख लेते हैं ना, टोटल 16,000, 10,000, 4,15,000 और 4,489। अच्छा आपने यही बताया था 489, और ये भी आ गया 489, और 2 में आ जाएगा नेट प्रॉफिट, नेट सॉरी सरप्लस लिखते हैं, नेट प्रॉफिट नहीं लिखते, सरप्लस। सर सरप्लस कितने आ जाएंगे, सरप्लस आ जाएगा आपका 1,50,000 माइनस, 1,10,000 माइनस 80,000, तो 149 कितने आ गए। हाँ अच्छा ये 40, इसके ऊपर मैंने अंदर लिख दिया था, चलिए सर 40 यहीं, मेरे को लगा कोई आउटस्टैंडिंग वगैरह ना हो। 1,09,000 चेक कर सकते हैं आप कितना आ रहा है आंसर, 1,09,000। अब इस 1,09,000 को क्या करेंगे हम, दो पार्ट में, यानी कितने परसेंट काम कंप्लीट हुआ उसके हिसाब से चलेंगे। सर कॉन्ट्रैक्ट था 10,00,000 का और वर्क सर्टिफाइड 4,00,000 का था, इसका मतलब 40% काम हो गया हमारा डन, तो 40% वाला फॉर्मूला लगा देंगे ना, तो यहाँ पे CPL में आ जाएगा। सर CPL में कितना आएगा, सर यहीं पे लिख देते हैं 1,09,000 का 1/3 इंटू में कैश रिसीव 3,00,000 डिवाइडेड बाय 4,00,000, तो ये आ जाएगा। मैंने यही कर दिया, ये लो, और मैं कहूंगा एग्जाम में भी आप ऐसे कर दो ना, तो एग्जामिनर को टेंशन ही खत्म। डिवाइडेड बाय 4,00,000 इंटू में नहीं, 1,09,000 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4, ये आ गया हमारा 27,250, 27,250। और यहाँ पे आ जाएगा WIP रिजर्व, WIP रिजर्व, सर WIP रिजर्व कितना आएगा, माइनस कर देते हैं, माइनस कर देते हैं 1,09,000, ये आ जाएगा 81,750। लो जी ये डन हो गया, और बाय सरप्लस लिखेंगे। इसमें किसी बच्चे को डाउट है तो पूछ जरूर लेना, क्या क्या 42,500 ये इसका टोटल करके, मैंने गलत कर दिया ये, फोर्टी परसेंट कंप्लीट हुआ है ना। ये सरप्लस ठीक है तो फिर रहने दो, ठीक है ठीक है। बताइए सीपी 1,00,000 माइनस 10% नहीं होगा क्या, 1,00,000 माइनस 10% कैश प्राइस, 1,00,000 में से 10% माइनस क्यों बता रहे हैं बच्चे। कहता है बिल्डिंग 10% लेस, कहता है कि एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्टिव वाज एक्सेप्टेड बाय बिल्डिंग एट द 10% लेस इट वाज डिसाइडेड एस्टिमेटेड टोटल प्रॉफिट एंड क्रेडिट एंड प्रॉफिट एंड लॉस द एप्रोप्रिएशन एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ वर्क कंप्लीटेड टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एक्चुअल एक्सपीरियंस। ओके तो हमारा आ जाएगा 1,09,000, कितने आ रहे थे, कितने आ रहे थे, बयालीस 500। द टोटल कॉन्ट्रैक्ट वॉज हियर एस्टिमेटेड एंड वॉज एक्सेप्टेड बिल्डिंग 10% लेस एस्टिमेटेड टोटल प्रॉफिट एंड टेक टू क्रेडिट प्रॉफिट एंड लॉस दैट अप्रोप्रिएशन एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैश बेसिस व्हिच वाज एक्चुअल एक्चुअल एक्सपेंडिचर। चलिए वो कोई नहीं, यहाँ पे कुछ एरर होगा, यहाँ तक ठीक है हमारा, वो एस्टिमेटेड की बात कर रहे हैं। तो एक बच्चे का यहाँ पे सवाल भी है, सर आप 10% लेस नहीं करेंगे, नहीं वो एस्टिमेटेड में देखेंगे, वो देखना है हमें एस्टिमेटेड में, कौन सा ये प्लांट डेप्रिसिएशन लगाने के बाद। सर 48 कैसे आया, 80 का था, 80 में से माइनस चला गया था 20,000, और अब इसके ऊपर माइनस किया हमने डेप्रिसिएशन, तो हमारा ये आया, ठीक है। चलिए बताइए सर 2018 के एडिशन
चल जाएगा कॉस्ट में। हाँ कॉस्टिंग में कोई भी पुराना चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर एक्रूड समझ नहीं आया, एक्रूड का मतलब क्या है? हाँ अभी पहले बच्चों का ना ये जो अभी करा है वो समझ लीजिए। एक्रूड का मतलब होता है सर आउटस्टैंडिंग, एक्रूड का मतलब होता है, आप कमेंट में लिखते जाइए मैं बताता जाऊंगा। तो आउटस्टैंडिंग ऐड हो गया। मैं पढ़ रहा हूं यहाँ पे विष्णु का था एक्रूड, उससे पहले जो भी था फटाफट से पूछते जाइए मैं बताते जाऊंगा। और किसी बच्चे का डाउट है इसमें सवाल में तो बताइए। सर कॉस्टिंग प्लांट एक बार फिर समझा दो, कॉस्टिंग का प्लांट सर प्लांट साइट किस तरफ से आएगा? चलिए मैं प्लांट का समझा देता हूँ, नए पेज पे समझा दूँ प्लांट का। चलिए नए पेज पे प्लांट को बच्चे बोल रहे हैं समझा दें सर। तो हमारा प्लांट था कितने का सर? 80,000। 80,000 को दो टुकड़े में बांट दिए जाएंगे, एक पार्ट हमारा जो रिटर्न हो गया दैट इज 20,000, और एक पार्ट जो कि रिटर्न नहीं किया इस्तेमाल कर लिया हमने 60,000। लेकिन दोनों प्लांट को ही हमने जो भेजा है इसको भी फुल ईयर यूज कर लिया मैंने, फुल ईयर यूज कर लिया, और इसको भी तो यूज किया ही किया है फुल ईयर। अब जब हम फुल ईयर यूज कर रहे हैं तो माइनस डेप्रिसिएशन तो बनता है, और डेप्रिसिएशन कहता है सर 20% बनेगा, तो 20% दैट इज आपका 4,000, इस पे 4,000 लगेगा, तो ये बचा। यहां पे भी डेप्रिसिएशन 20% होगा 12,000, दैट इज 48,000। तो रिटर्न में चला जाएगा 16,000 और यहां पे चले जाएगा 48,000। चलिए चेक कर लेते हैं, यही लिखा है देखो रिटर्न में 16 और यहां पे 48। किसी क्वेश्चन में अगर डैमेज हो चुका हो तो उसका इफेक्ट नहीं लेंगे बैलेंस शीट में? डैमेज का बैलेंस शीट से कोई लेना देना नहीं, डैमेज आपका यहां आ जाएगा बाई साइड में, चाहे नॉर्मल हो चाहे अबनॉर्मल हो हम बाई साइड में दिखा देंगे उसको। सर प्लांट रिटर्न समझा दो, प्लांट रिटर्न मैंने देखो अभी करके दिखाया, अब बताइए अभी भी किसी का डाउट है स्टिल तो बताइए, अभी भी स्टिल किसी का डाउट है तो बताइए कमेंट में बताइए फटाफट। कुछ बच्चे कह रहे थे सर प्लांट का दिक्कत है, ये देखिए प्लांट का कैलकुलेशन मैंने कर दिया है, 80,000 का टोटल था, 20,000 का रिटर्न हो गया, 60,000 बच गए, 20,000 पूरे साल इस्तेमाल किया है, डेप लगा के 16 बचा, और 60,000 भी पूरे साल इस्तेमाल किया है, 12,000 करके ये बच गया हमारा। सर इसमें एस्टिमेटिक वैल्यू का क्या रोल है? अभी एस्टिमेटेड स्टार्ट ही नहीं किया, एस्टिमेटेड तो हमने सीखना स्टार्ट ही नहीं किया, जो आज का मेन कॉन्सेप्ट सिखाना है वो अभी शुरू ही नहीं किया हमने, पुराने वाला ही तरीके से अभी किया है। हरिओम और श्रुति आप कमेंट में लिख दीजिए प्लीज, और जितने बच्चे भी नए एनरोल हो रहे हैं वो पुरानी क्लासेस देख लें तो समझ में आएगा। ऑल क्लियर, ठीक है। चलिए अब हम एस्टिमेटिंग की बात करेंगे जो हमारा मेन रोल है। तो मैं इस सवाल को ना मैं ऐसा करता हूं इसको इधर लेके चले जाता हूं सर, क्योंकि इसका तो काम ही नहीं है इसलिए इसको इधर लेके आ गए, ठीक है। चलिए सर ठीक है, इस साइड में एस्टिमेटिंग कर दूंगा फिर दोनों दिखा दूंगा, क्वेश्चन बाद में कर लेंगे हम। एस्टिमेटेड का मतलब क्या होता है सर? सर एस्टिमेटेड का मतलब नथिंग, एस्टिमेटेड मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ही है जिसके अंदर हम टोटल कॉस्ट टोटल प्रॉफिट लास्ट का पता कर लेंगे कि कितना होने वाला है, और इसके अंदर वो फॉर्मूला नहीं लगाना जो कि 3 साल 4 साल था, याद हो अगर आपको तो लगाते थे रूल नंबर 1 2 3, तो वो नहीं लगाना है इसमें, है ना। चलिए ये आ गया एस्टिमेटेड, कॉन्ट्रैक्ट पर्टिकुलर अमाउंट। अब सबसे पहले जो मटेरियल लेंगे ना
यहां पे आप क्या लेने वाले हैं सर? मटेरियल लेने वाले हैं। चलिए सर, मटेरियल लेंगे, टू मटेरियल। तो रूल नंबर वन, जो मटेरियल होगा, क्योंकि यहां पे मैं पहले ही लिख दूं बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस देखो मैं 10 लाख लिख रहा हूं, तो बट ऑब्वियस है अगर आप 10 लाख रुपए कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आपने लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, तो दैट इज आपका ये सेल है, क्योंकि बाय साइड में सेल जाता है। अगर सेल्स आप टोटल ले रहे हो तो खर्चा भी तो आपको क्या लेना पड़ेगा, टोटल ही लेना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो सर सेल टोटल लिया है तो मटेरियल भी पता है कितना लेंगे हम, इन दोनों को ऐड करके लेंगे, इन दोनों को ऐड करके कितना सर, 1,50,000, 1,50 प्लस में 2,60, तो कितने हो गए ये, 4,10 का ये आ गया। आप समझिएगा बातों को, ठीक है। उसके बाद सर और क्या दे रखा है, लेबर। सर लेबर भी टोटल करके लेंगे, लेबर टोटल क्या करेंगे, लेबर हमारा 1 लाख था और प्लस में 1 लाख, और अगर कोई इन केस इस साल में, अभी बाद में बात करेंगे, एक और सवाल करेंगे ना तो हो जाएगा वो, तो कितने बन गए, 2,20। चलिए अब हम आ जाते हैं प्लांट पे। सर प्लांट तो पूरा ही लेना होगा, है ना, प्लांट तो पूरा ही लेना होगा, कितना लेना होगा, 80,000 लीजिए जी, 80,000। एक्सपेंस आपका दे रखा है यहां, तो टू एक्सपेंस भी ले लेते हैं। सर एक्सपेंस कितना है, सर एक्सपेंस कितना है सर, 40,000 और प्लस 71,000 रुपये। अब देखिए एक्सपेंस भी हमने ले लिया। चलिए कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग करंट जब लेंगे ना तो इसका आउटस्टैंडिंग और इसका प्रीपेड कामयाब है, इसका कुछ नहीं करना, ठीक है। 7 और 4 11, 1,10,000, 1,10,000 यहां तक पहुंच गए। रिटर्न में देखिए 20 का था, पहले हम रिटर्न कर चुके हैं, पहले हम रिटर्न कर चुके हैं सर, पहले रिटर्न कितना किया था हमने, 16,000, दैट इज 20,000। अब बोलता है और रिटर्न कर दिया हमने कितना, 50,000। तो सर और आपने अगर रिटर्न कर दिया 50,000, तो ऐसे ही थोड़ी ना आपने 50,000 रिटर्न किया, इसको यूज भी तो किया है आपने। तो आप बोलते हो सर हमने 50 रिटर्न कर दिया, तो एक्चुअल टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जब कंप्लीट हो रहा है ना, तो आपको देखना चाहिए, आपको समझना चाहिए कि भैया आपका 80 था तो टोटल 80 तो वापसी होता, लेकिन यहां देखिएगा तो वापसी कितना हुआ, 20 पहले हो गया, 50 बाद में कर रहा है, यानी रिटर्न की बात कितना कर रहा है, 70। तो 10,000 रुपये कहाँ गए, तो मान लेंगे हम, अजम्पशन ले लेंगे कि 10,000 डैमेज हो गया हमारा, जिसकी वजह से डिस्ट्रॉयड हो गया होगा कहीं ना कहीं हमारा, तो ये हमारा क्या रहेगा, अजम्पशन। तो एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में क्या करेंगे, पहले हम दोनों को कंपेयर करेंगे, रिटर्न जो लास्ट में जाएगा वो टोटल मैच हो जाना चाहिए, इन केस मैच नहीं होता तो जो भी डिफरेंस बैलेंस आ रहा है मान लेंगे कि वो क्या हो गया, डिस्ट्रॉयड हो गया। अब इसका डेप्रिसिएशन थोड़ा सा ट्रिकी बन जाता है बच्चों के लिए, तो मान लेते हैं हमने रिटर्न क्या करा, 50,000, लेकिन 50,000 रुपये रिटर्न किया तो पहले साल हमने क्या लगाया सर, डेप्रिसिएशन, तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना लगा होगा सर, 10,000, बचा कितना सर, 60,000। फिर हमने इसको कितने दिनों तक इस्तेमाल किया, अच्छा मैंने प्लस कर दिया क्या, 40, ओके प्लस कर दिया मैंने, नहीं ये तो सही था, प्लस कर दिया तो कोई बात नहीं, इसको 40 कर दिया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, हमारा कॉन्ट्रैक्ट 16-17, यानी मैं अगर यहां बात करूं तो 16 पूरा चला 12 महीने तक, और 17 के अंदर 12 महीने तक नहीं चल पाया, कहता है कि ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो कब तक चला, 30 सितंबर तक, तो 30 सितंबर तक ही कामयाब हो पाया। तो यानी हमने जो 50,000 का जो रिटर्न कर रहे हैं, एक पे तो हमारा लग गया पूरे साल का, और एक बार फिर लगेगा इसके ऊपर डेप्रिसिएशन, लेकिन लगेगा सितंबर तक का, पहले इस बात से एग्री करिए, कितना लगेगा सितंबर तक का, मैं दोबारा टाइमलाइन भी बना देता हूं। देखिए ये कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ था, यहां पे हमारे पास था 80,000 का, 80,000 से एक साल ये कंप्लीट हो गया, तो यहां तक जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस लग के आया था ना 80,000, तो इसका मतलब सर कुछ प्लांट तो हमने रिटर्न ही कर दिया, तो रिटर्न कितना कर दिया, 16,000, दैट इज कॉस्ट 20 था, तो यहां पे बचा कितना था हमारा सर, 16-20 माइनस हो गया, तो 60,000 के हिसाब से निपटा दिया। लेकिन नए वाले कॉन्ट्रैक्ट में तो हम यहाँ पे टोटल लेके चल रहे हैं सर, कितना लेके चल रहे हैं, 80, तो अभी और रिटर्न वाले को माइनस कर दिया, रिटर्न कितना था, 20 हो गया, एक तरह से 16 दिख रहा है लेकिन वो तो 4 डेप माइनस है 20, तो अभी भी हमारा कुछ प्लांट रिटर्न होना बाकी है, यानी प्लांट सारा यूज करना बाकी है। तो क्योंकि अब मैं प्लांट का क्लोजिंग बैलेंस रखूंगा क्या यहाँ,
जवाब नहीं सर, रख के करोगे क्या, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ही क्या हो गया हमारा, खत्म हो गया। तो अब जो प्लांट है ना हमारा, ये प्लांट यहां से लेके यहां तक बोल रहा है कि हमने 50 रिटर्न किया है सर। समझना बात को, एक तो इस साल के अंदर रिटर्न की कहानी खत्म, और इस साल में खड़े होके आप बोल रहे हो सर मैं अब एक और रिटर्न कर रहा हूं 50। दैट इज ये 50 जो रिटर्न कर रहे हो ना, वो यहां से यहां तक का बताया होगा उसने। जब भी बताएगा ना, शुरू से लेके कब तक का बताएगा, वो एंड तक का। जब शुरू से लेके एंड तक का बताएगा तो इस पर डेप्रिसिएशन कैसे लगाओगे सर? डेप्रिसिएशन लगाने का तरीका ये होगा सर, कैसे लगेगा 40, और डेप्रिसिएशन लग जाएगा सितंबर तक। तो सितंबर तक 9 मंथ होता है, तो 9 मंथ हमारा एसएलएम के बेसिस से लगेगा। तो 50,000 पे डिवाइडेड इनटू में 20% 12 * 9 +1 7500 रुपये, 7500 रुपये माइनस कर देंगे 7500, 40,000 माइनस 7500 32,500, 32,500। तो सर जो यहाँ पे हमारा डेप्रिसिएशन आएगा ना, जो डेप्रिसिएशन से प्लांट माइनस होके आएगा, यहां से कितना डेप्रिसिएशन माइनस होगा? एक तो 10,000 पुराने वाला और एक 7500, तो इस तरीके से ये आ जाएगा हमारा 32,500, 32,500। कह रहे हैं रिटर्न के साइड डेप्रिसिएशन ना दिखाऊं, प्लांट के साइड टोटल नहीं, आपको ऐसे ही करना है श्रुति, रिटर्न के साइड भी आपको दिखाना पड़ेगा क्योंकि आपने यूज किया है। हाँ, अगर 1 जनवरी को ही मैं रिटर्न करता तो नहीं दिखाते। पहले यहां तक देखिए, क्लियर है ये? ये 32,500 में बच्चों को डाउट है तो अभी बोल दीजिए, मैं दोबारा बता दूंगा 32,500 कैसे आया है, इसमें बताइए डाउट। अगर इस 32,500 में डाउट है तो अभी बता दीजिए। सर यहां पर सीपी को 9,000 नहीं दिखाएंगे, अभी 9 लाख पे आएंगे हम, रुकिए। अब 7500 कैसे आया सर? वंस मोर सर, एक बार और बता दें। ठीक है, चलिए डेप्रिसिएशन को मैं एक बार फिर से बता देता हूं। ये वाला डेप्रिसिएशन तो पुराने हैं, जो कि समझ में आ गया, इसको साइड करते हैं, पहले इस डेप्रिसिएशन से निपट लेते हैं। लो डिलीट कर दिया। देखिए ध्यान रखिए, आराम से समझते हैं, जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं। ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है यहां स्टार्ट हुआ, और यहां था 1 जनवरी, और कॉन्ट्रैक्ट 1 साल हो जाता है 31/12, 1 साल हो जाता है 31/12। जैसे ही 31/12 होता है, नया साल स्टार्ट हो जाता है 1 जनवरी को। इसके बाद हमारा 30 सितंबर को हमारा पूरा काम कंप्लीट हो जाता है। तो अगर मैं यहां से लेके यहां तक पूरा पूरा कॉन्ट्रैक्ट को ध्यान से देखूं, तो भैया मेरा कॉन्ट्रैक्ट जो चला है वो चला है 12 महीने और प्लस में फिर बाद में 9 महीने, यानी सर 21 महीने हमने काम किया है टोटल। ठीक है, अब 21 महीने में से 12 महीने का हमें अलग हिसाब बनाना है, और एक बनाना है पूरे 21 महीने का, दो कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं। तो अगर मैं यहां पे कहूं ना कि जो ये वाला कॉन्ट्रैक्ट बनाया था ना, इसके पीछे छुपा हुआ है, ये तो 12 महीने का था, और ये वाला कॉन्ट्रैक्ट जो बना रहे हैं ना, वो 21 महीने का पूरा हिसाब किताब निकाल रहे हैं, तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, चलिए सर, अब हमारे पास इस डेट पे प्लांट था, प्लांट की कीमत कितनी है सर? 80,000, और 80,000 इस डेट पे प्लांट का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन हुआ ऐसा कि इसमें से लॉ ने, इसमें से क्वेश्चन ने कहा कि सर 20,000 का प्लांट तो वापस कर दो, कामयाब नहीं है। तो अब हमने इस्तेमाल करना स्टार्ट किया कितना? 60,000। लेकिन 20,000 का जो रिटर्न भी किया ना, वो इस डेट पे हमें दिमाग आया कि इस दिन रिटर्न करना चाहिए। तो यहां से लेके यहां तक पूरे साल इस्तेमाल करने के बाद ही तो आप रिटर्न कर रहे हो। तो ये जो 20,000 रुपये का प्लांट था, उसके ऊपर आपका 4,000 डेप्रिसिएशन लग चुका है, यानी आपने रिटर्न कितना किया? 16,000। अब कायदे से देखा जाए तो आपका प्लांट कितना बच रहा है? 60,000। अब यहां पे हमने डेप्रिसिएशन इस साल के लिए, सिर्फ इस साल के लिए डेप्रिसिएशन क्लेम किया है।
इस साल के लिए इस पे हमने कैसे डेप्रिसिएशन निकाला, वो निकाला 60,000 माइनस 12,000, दैट इज 48,000 रुपीज, जो कि आपको साइड में दिख भी रहा है, ये रहा 48,000 रुपीज, ये लिख रहा है। यहां तक क्लियर हो गया। अब हमने क्या करा, जब हम पूरे साल का यानी पूरे 21 महीने का कामकाज कर रहे थे तो हमने अकाउंट के अंदर प्लांट डाला, अकाउंट के अंदर प्लांट डाला, और प्लांट डाला कितने का हमने 80,000 का, और जो रिटर्न हो चुका था उसे रिटर्न भी दिखा दिया, रिटर्न कितना दिखा दिया हमने 16,000 रुपए, 16,000 का रिटर्न दिखा दिया। अब हमें अच्छे से पता है कि भैया रिटर्न जो हुआ था वो 80,000 में से वो 16,000 नहीं था, वो कितना था सर, 20,000 रिटर्न था, दैट इज हमारा 60 का तो अभी भी इस अकाउंट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। आप देखो तो इस अकाउंट के अंदर कितना एग्जिस्ट कर रहा है, 60,000। सवाल ने बोला भैया 60,000 रुपए एग्जिस्ट कर रहा है, कोई बात नहीं है, इसके अंदर से हम एक काम करते हैं 50,000 रुपए का और रिटर्न करते हैं साल के एंड में, यानी यहां पे हमने जाके 50,000 रुपए का रिटर्न करने का फैसला लिया। यानी आपने इसके ऊपर यहां से लेके यहां तक डेप लगाने के बाद ही तो 50,000 में से जो बचेगा वही तो रिटर्न करोगे। अब सर सवाल आता है सर 10,000 का क्या हुआ, तो हमारा एक अजम्पशन रहा यहाँ पे, अजम्पशन ये रहा कि 10,000 रुपए वाला जो था वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉयड हो चुका होगा, हमारे पास होगा ही नहीं, बचा ही नहीं होगा, तो ये खराब हो गया, तो ये हमारा क्या होगा, एक अजम्पशन जिसके लिए हम नोट भी देंगे। अब इस 50,000 रुपए का जब हम 21 महीने के बाद दिखाना चाह रहे हैं अकाउंट में, यहाँ पे हमने साल के स्टार्टिंग में दिखाया है इस खाते में, तो हम इस 50,000 पे 21 महीने का डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे हम टोटल। तो सर 21 महीने का डेप्रिसिएशन कैसे माइनस करोगे इसमें, तो धीरे धीरे करेंगे, पहले 50,000 के ऊपर 12 महीने का डेप्रिसिएशन लगा ले यानी एक साल का, तो बनता है हमारा 10,000, दैट इज हमारा बचता कितना है सर 40,000। अब लगा लेते हैं इसके ऊपर माइनस डेप्रिसिएशन, कितने महीने का सर डेप्रिसिएशन लगा लेते हैं 9 मंथ का, क्योंकि सेप्टेम्बर तक 9 मंथ हो जाता है, कैसे लगाओगे सर 40,000 के ऊपर, नहीं आप कैसे लगाओगे, SLM है तो आप लगाओगे 50,000 के ऊपर, 50,000 इंटू में 20/100 इंटू में 9/12, तो आपका ये निकल के आएगा 7,500, दैट इज अब आपका पास बच गया 32,500, जो कि मैंने यहाँ पे दिखा दिया 32,500 रुपए अलग अलग करके। अब बताइए कोई दिक्कत, बच्चे कह रहे हैं सर एक्चुअल प्रॉफिट ही अलग आ रहा है, दिखाना एक बार किताब, नहीं है आप दिखा दो, नई वाली बुक में हो, पुरानी आपकी बुक है, एक्चुअल प्रॉफिट ठीक है, आप उसको अलग अलग करके देख रहे हो, वो टोटल करोगे तो 109 ही आएगा, आप उसकी चिंता मत करो। बच्चे कह रहे हैं सर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का देख लो एक बार, कर लेंगे कर लेंगे। ये लीजिए ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने प्रॉफिट को तोड़ के दिखाया, बाकी 10% वाली जो बात कह रहे हो वो मैं भी चेंज कर दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पहले यहां तक देखिए ठीक है, यहां तक बच्चे कह रहे हैं, एक बच्चे ने दिवेज ने कहा है क्लियर है, आप मुझे सिर्फ डेप्रिसिएशन मुद्दे की बात बताइए कि डेप्रिसिएशन समझ में आया नहीं है। बच्चे कह रहे हैं सर 10% रिटेंशन है, उसको समझाना भी तो पड़ेगा। देखिए सवाल में कहता है कि जब एस्टिमेटेड एक्सेप्टेड होगा ना तो 10% लेस करके आपको मानना है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को, बस ये कहा था मैंने, तो ये स्टार्टिंग में डाल दिया था ताकि आपको पता चले ये पूरे 21 महीने का है। अब लो मैं 9 लाख रुपए ले लेता हूं, अब कोई समस्या ही नहीं आपकी, चलिए ठीक है ठीक है। अब सर सारी जानकारी हमने लिख ली, अब क्या निकलेगा हमारा, यहां से निकल जाएगा सिंपल सी बात है प्रॉफिट, और तो कुछ बचा नहीं। आगे देखिए वर्क सर्टिफाइड फुल है सब कुछ, अनसर्टिफाइड है नहीं, कैश रिसीव पूरा मिल चुका है, तो कोई रिटेंशन हमारा चल नहीं रहा है यहां पे, तो हम क्या करेंगे सर 9 लाख 16,000 32,500 ये आ गया 948,500 माइनस में 41,000
एक 4 10 माइनस में 2 20 माइनस में 80 और ये 7, ये 1 11 होगा, ठीक है, ये 1 11 होगा, ये थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं टोटलिंग में, 1 11 माइनस 111,000, 1 27,500। अब ये जो प्रॉफिट आएगा एस्टिमेटेड, एक 27,500 आपने ये करना है, 1 27,500 सर वो तो इसलिए अलग होगा ना क्योंकि अभी एस्टिमेटेड प्रॉफिट के अकॉर्डिंग उसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है। सौरभ आपका कहना है कि इसलिए अलग होगा, जो ये अकाउंट बनाया है ना ये सिर्फ ये इसका कोई काम है नहीं, मतलब एग्जाम में तो बड़ा काम है, रियल लाइफ में इसका काम नहीं है, बस एक हम एस्टिमेटेड लगा रहे हैं कि इतना मुनाफा हम कमाएंगे और इससे ज्यादा इसमें बढ़ के कुछ नहीं है, दैट्स इट, बस इतना ही करना है हमें कि हम इतना प्रॉफिट कमाने वाले हैं। अब इधर वाले नोशनल प्रॉफिट पे भी मैं आऊंगा, पहले यहां तक देख लीजिए इस अकाउंट में। तो आज का जो कॉन्सेप्ट समझने वाला था सिर्फ हमने ये समझा है, किताब दिखाना, यहां तक बताइए कोई डाउट है तो किसी का, आपके सामने क्वेश्चन है। ऑल क्लियर, और किसी बच्चे का डाउट है तो बता दीजिए। चलिए एक और सवाल देख लेते हैं, एक थोड़ा सा पॉइंट मुझे यहाँ डिस्कस करना है। सर कहाँ डिस्कस करना है, आ जाइए इस सवाल को मैं थोड़ा सा जो प्रॉफिट वाला कॉन्सेप्ट था ना अब लेके आते हैं। इस सवाल को हम इधर कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, इसकी जरूरत है नहीं। अब ध्यान रखिए, अब यहां पर आ जाते हैं वापस से, जो CPL निकाला है हमने, ठीक है ना, जब कभी भी याद रखिएगा, जब कभी भी, अब मैं थोड़ा चेंज करूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए, पहले मैंने इसलिए नहीं चेंज किया, चलिए वो कोई नहीं। अब ध्यान रखिए, जब कभी भी आपको एस्टिमेटेड प्रॉफिट होगा तो आप ना जो CPL में भेजेंगे ना पैसा, CPL में भेजेंगे वो इसमें से जितना प्रॉफिट होगा उसके अकॉर्डिंग भेजना है। यानी सर CPL में कितना जाएगा, 1,27,500। अब काम जब है एस्टिमेटेड में कितना परसेंट कंप्लीट है, पूरे 100 के अप्रॉक्स, है ना, तो 100% में क्या रूल लगता है, जो प्रॉफिट होता है मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव। तो कैश रिसीव कितना है सर सवाल में, इस सवाल में कहता है फुल मिल गया कैश रिसीव, कितना था हमारा, और इस वाले पॉइंट पे कितना कैश रिसीव था, इस वाले पॉइंट पे 3 लाख का कैश रिसीव था, डिवाइडेड बाय, अब बताएं वर्क सर्टिफाइड कितना था, 4 लाख का, वर्क सर्टिफाइड कितना था 4 लाख का, तो 1,27,500 डिवाइडेड बाय 4 लाख इंटू में 3 लाख, इंटू उस नहीं सॉरी एक मिनट
एक मिनट, हम फॉर्मूला भी लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आता है, दैट इज 9 लाख, तो 1,27,500 डिवाइडेड बाय 9 लाख इनटू में 3 लाख, 42,500 ऊपर में 3 लाख, तो ये जवाब आया 42,500। देखिए फॉर्मूला क्या था, आप एक दो तीन चौथा फॉर्मूला देखिए, मैं लिख देता हूं, सरप्लस इनटू में डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, देखिए चेक करिए, पहले लिखवाया था कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, तो अब यहां पे जो सरप्लस लेना है ना वो इसके अकॉर्डिंग निकाल लेंगे, सरप्लस ये हो गया, ये क्या हो गया सर कैश रिसीव, और डिवाइडेड बाय ये क्या हो गया सर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, जब इसको सॉल्व किया तो 2 CPL आ गया, CPL कितना आ गया 42,000 और बाकी 2 डाल दो WIP में, बस एक ये एक्स्ट्रा काम है जो कि आपने करना है, तो 42,500 माइनस में, माइनस कितना करें सर, माइनस कर देते हैं हम, कितना था 1,09,000, ये आ गया 66,000, अब ये ठीक हो गया हमारा। एक क्वेश्चन और देखेंगे अभी इस पे हम, बच्चे कह रहे हैं सर प्लीज शो क्वेश्चन, अभी दिखा देते हैं क्वेश्चन,